मालूम है ऐसी घटनाएं कई बार घटती हैं कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और फिर सामने वाला बोलता है, भाई साहब आप इतना गर्म हो रहे हैं, इतना बरस रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वो तो मैंने बोला ही नहीं है, मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा था। ध्यान रखिए मान्यवर, फिर जी घंटे भर की टेंशन, घंटे भर का तनाव, जो एनर्जी बर्बाद की है, नहीं, सत्य वह होता है, पहले सत्य को समझो। और एक बात याद रखना, लाख सोना बना लो अपने आप को, लाख सोना बना लो अपने आप को, मगर याद रखना हर शख्स एक बार परखता जरूर है। सोना कितना भी शुद्ध हो, एक बार तो कसौटी पर चढ़ता ही है। लेकिन मजे की बात तो ये है, परख बाजार में सोने की होती है, पीतल परखा जाता है क्या? कागज को कसौटी पे कसा जाता है क्या? नहीं कसा जाता। देसी घी को परखा जाता है, डालडा को कौन परखेगा मेरे भाई? जरकिन की कोई परख नहीं करता, डायमंड परखा जाता है, हीरा परखा जाता है, कसौटी पर हीरा रखा जाता है। इस सूरत है ना हीरों की नगरी, ध्यान रखिए, हीरे की जांच होती है, कांच की कौन जांच करेगा? और यदि कोई तुम्हारी जांच कर रहा है तो समझना हम कांच नहीं, हम हीरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान, जरूर परखे जाओगे, कितना भी सोना बन जाओ, कितना भी शुद्ध सोना हो जाए, हर आदमी सोने को शक की निगाह से देखता है। कितने भी हीरे बन जाओ, हर आदमी हीरे को शक की निगाह से देखता है। किसी ने पीतल पे शक किया है? बोलो, किया किसी ने पीतल? कागज पे किसी ने शक किया है? कौन शक करेगा, ये तो जन्मजात नकली है। ध्यान रखना, नकली लोगों की कभी परीक्षा नहीं होती, जब भी परीक्षा होती है असली लोगों की परीक्षा होती है, सत्य की परीक्षा होती है, नकली की कौन परीक्षा करेगा? अरे सीता जैसो को अग्नि परीक्षा देना पड़ती है, और यदि कोई अग्नि परीक्षा देने को तैयार है तो समझना उससे बड़ा सत्य उसके पास दुनिया में कोई और नहीं हो। लोग बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई बात नहीं है, जब भी सामने ऐसी परिस्थिति आए तो ये समझना कि हम सत्य की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। ध्यान रखिए, ये दुनिया झूठों का साथ देती है। एक राजा था, ऐसा राजा था जिसकी एक आंख नहीं थी। उसने बड़े बड़े पेंटर बुलवाए, बड़े बड़े चित्रकार बुलवाए कि मेरा बहुत सुंदर चित्र बनाओ। अब जब एक फ्यूज है तो क्या चित्र सुंदर बनाएंगे, एक आंख थी नहीं उसके। बड़े बड़े चित्रकार आए, जैसा चित्र बनाया सारे पेंटर हार गए, चित्रकार। राजा ने कहा ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ऐसा बनाओ कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। चित्रकारों ने कहा तू सुंदर हो जब तो दिखेगा ना, तू जैसा है वैसे ही तो बनेगा ना। राजा ने कहा मृत्यु दंड दूंगा, सुंदर बनाओ मुझे, और झूठा नहीं होना चाहिए, सच ही होना चाहिए। अब आंख ही गायब है, सारे चेहरे का सौंदर्य तो आंख हुआ करती है ना, आंख सुंदर है तो सब कुछ सुंदर हुआ करता है। बोले कि आंख है तो, आंख तो है ही नहीं, सुंदर कैसे बना? बड़े बड़े पेंटर आए, कोई नहीं बना पाए। राजा ने सबको हटा दिया, सुंदर बनाओ लेकिन सच बनाओ। अब कोई ना आंख बना दे नकली तो भी सौंदर्य नहीं है, वो तो झूठा चित्र हो गया। एक सूरत का पेंटर गया, उसने कहा मैं बना सकता हूं। बोले अच्छा, बोले बनाओ इनाम मिलेगा। अब सूरत के आदमी, उनका तो ये भरा हुआ है, ऊपर का माला खाली थोड़ी है, मारवाड़ी अच्छों अच्छों को निपटा दें, जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ा। बोले क्या राजा, क्या समझते, हम बना के बताते हैं चित्र। बोले बनाओ, बोले इनाम क्या मिलेगा? अरे बोले जो कहेगा वो मिलेगा, सुंदर बनाना। अरे बोले इतना सुंदर, इतना सुंदर? ध्यान रखना, मैं आपसे इस बात से ये कहना चाहता हूं कि सच को कड़वा नहीं, सच को मीठा भी बनाया जा सकता है, यदि आपके पास बुद्धि है, दिमाग। इतना सुंदर चित्र बनाया सूरत के उस पेंटर ने, राजा ने देखा, पर्दा हटाया, बहुत बड़ी पेंटिंग।
राजा ने अपने गले का हार लिया, तोड़ करके दे दिया। लो मैं तुम्हें पुरस्कार देता हूं, कहीं के लोग मेरा चित्र नहीं बना पाए, सूरत वालों ने बना दिया। बोले क्या किया मालूम है? जब चित्र बनाया ना सूरत वाले ने, तो राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिए। शिकार खेलता बहादुर राजा, वीर राजा। अब बताओ, आंख वाला भी जब तीर चलाएगा तो एक तो बंद कर ही लेगा ना, ध्यान रखे, निशाने के लिए एक तो बंद करेगा ना। राजा ने कहा बहुत अच्छा, तुमने सत्य बनाया, लेकिन सम्मान के रोज तो लोग तो फेस बना रहे थे, फ्रंट बनाए, उसने साइड पोज, बिल्कुल तीर खींचते हुए खींचो तीर, एक आंख अपने आप। राजा ने कहा बहुत खूब मान्यवर, पुरस्कार मिला सूरत को। मैं भी सूरत वालों आपसे कह रहा हूं, सच को कड़वा मत बोलो, सच को मीठा बोलने का प्रयास करिए। उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में अपने मीठा बना सकते हैं, सच को क्यों नहीं बना सकते हैं? युक्ति से, ज्ञान से, विवेक से। सच वही जो मीठा हो, सच वही जो आनंद देने वाला हो। मान्यवर, भाषा जोड़ती भी है और भाषा तोड़ती भी है। भाषा मीठी कर दी जाए तो वह जोड़ देती है दिलों को, और भाषा यदि तीखी हो जाए तो तोड़ देती है दिलों को।